प्रदेश भर में हड़ताल पर गए विद्युत कर्मचारियों के बाद विद्युत समस्या उत्पन्न होना लाजमी है। इसी क्रम में मथुरा जनपद के विद्युत सब स्टेशन सुरीर पर एकत्रित हुए सैकड़ों किसानों व व्यापारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति वांछित चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब परेशान होकर क्षेत्र के लोग विद्युत सब स्टेशन पर पहुँचे तो सब स्टेशन पर मौजूद SSO राजन सिंह ने बताया कि लाइन में कहीं फॉल्ट होने के कारण विद्युत सप्लाई बंद हुई पड़ी है और यहाँ कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। जैसे तैसे एक दो संविदा कर्मचारी को लाइन ठीक कराने के लिए बुलाया तो ऊपर से लॉकडाउन न मिलने के कारण लाइन ठीक नहीं हो पा रही है। इसके बाद विद्युत सब स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी की खबर मिलते ही मौके पर तहसीलदार मांट राकेश सोनी से पत्रकारों ने विद्युत समस्या को लेकर बात करना चाहा तो तहसीलदार महोदय पत्रकारों पर तिलमिला उठे और इस मामले में कोई भी बात कहने से मना कर दिया। खबर लिखे जाने तक समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला जा सका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत सिंह है सर। जीत सिंह बताइए, क्या कौन सा कहाँ के निवासी हो? मैं सुदामागढ़ी खामल का निवासी हूँ जी। क्या समस्या है जो आज बिजली गिरकर? समस्या ये है कि दो दिन से गांव में बिजली नहीं मिल रही है, किसान परेशान हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा है। यहाँ पर जिन अधिकारियों की प्रशासन ने ड्यूटी लगाई थी कोई भी अधिकारी सुबह से यहाँ पर नहीं है, हम सुबह से यहीं पर पड़े हुए हैं और बिजली मिल ही नहीं रही है। कई जगह फॉल्टें बताया जाता है, फॉल्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है। आज जो यहाँ तहसीलदार जी आए हुए हैं, ये क्या इन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी मैंने इनसे बात की थी तो इन्होंने कुछ नहीं, चुप हो गए। फिर बोले कि मैंने जब इनसे कहा कि यहाँ पे आपका प्रशासन का कोई आदमी क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि इसमें वो क्या करेगा, पटवारी क्या करेगा, पटवारी की ड्यूटी है, वो यहाँ क्या कर सकता है, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। आगे की क्या मांगे आप? मांगे क्या, देखिए मांगे तुम्हारी ये, हमें टाइम से बिजली मिले, क्योंकि डीजल इतना महंगा है, किसान की कमर तोड़ के रख रखी है सरकार ने। दिन की जगह रात में बिजली और बिजली हमें 2400 घंटे, कम से कम 15 दिन तो हमें 2400 घंटे बिजली मिले। 12 पे बिजली जो 12 की बिजली होती है, 15 दिन तो 2400 घंटे मिले तब जाके किसानों की पूर्ति होगी, नहीं तो किसान बर्बाद है। क्या नाम है आपका जी? दिलीप कुमार दीपा प्रधान जी। कहाँ के निवासी हो? सुरीर बिजऊ। क्या समस्या जो आज बिजली कर पाए? 4 दिन से हम बहुत परेशान हैं, हमारे बिजली के तार टूटे पड़े हैं भगतंडिया रोड पर और कोई भी कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम इतने परेशान हैं, हमारे धान वगैरह सब सूख रहे हैं और पोहे भी प्यासी मर रहे हैं। अच्छा, आज जो तहसीलदार साहब आए उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये दिया कि आप जाओ, आप शिकायत कर जाओ यहाँ पे और हम वो आएगा, वो कोई कर्मचारी तो आपके तारों को छुड़वा दिया है। जब हड़ताल चल रहे हैं तो कौन कर्मचारी आएगा यहाँ? पता नहीं, कह रहे हैं कि आएगा, कोई आएगा, तहसीलदार साहब कह रहे हैं, पता नहीं क्या, अपने बचाव के लिए कह रहे हैं, समय पास करने के लिए कह रहे हैं।